My dear students, and now today I am going to present a poem before you. But beforehand, I am giving you advice to keep yourself away from the social gatherings and always keep in mind to maintain the physical and social distance from other persons while talking to each other. Mere pyare bachcho aur bachiyo, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aaj ka jo hamara sabak hai, ye fourth ki English aur is sabak ka naam jo hai द ब्लाइंड बॉय, आपके पेज नंबर 10 पे द ब्लाइंड बॉय, द द ब्लाइंड बॉय, और ये लिखी हुई है कोली चिब्बर ने. इसको कोली चिब्बर ने लिखा हुआ है. मेरे प्यारे बच्चों, द ब्लाइंड बॉय, बॉय मीन्स लड़का, ब्लाइंड मीन्स अंधा. द ब्लाइंड, इसके साथ ये आर्टिकल लगाया हुआ है जो किसी खास चीज के साथ लगता है. द ब्लाइंड बॉय, एक खास अंधा लड़का जो खास हो. द ब्लाइंड बॉय, ब्लाइंड मीन्स अंधा और बॉय मीन्स लड़का. अब हम इस पोएम को पढ़ेंगे और फिर हमें पता चलेगा कि ये ब्लाइंड बॉय कौन था. उसे व्हाट इज दैट थिंग कॉल इट लाइट विच आई कैन नेवर इंजॉय. उसे कहो, ओ कहो, व्हाट इज दैट थिंग कॉल इट लाइट, वो क्या चीज है जिसे लाइट कहते हैं. ये बच्चा बोलता है, वो क्या चीज है जिसे लाइट कहते हैं. विच आई कैन नेवर इंजॉय, जिसका मैंने कभी मजा उठाया ही नहीं. इसका मतलब है ये जो ब्लाइंड बच्चा है ये पहले से ही ब्लाइंड है, यानी इसने कभी दुनिया में आने के बाद रोशनी का मजा नहीं उठाया. व्हाट इज द ब्लेसिंग ऑफ द साइट, व्हाट इज द ब्लेसिंग ऑफ द साइट, यानी क्या, यानी ब्लेसिंग यानी बरकत होती है, क्या बरकत होती है इंसान की साइट की. साइट मीन्स लाइट, यानी आंखों की रोशनी की क्या बरकत होती है. ओ टेल यू पुअर ब्लाइंड बॉय, ओ टेल यू पुअर ब्लाइंड बॉय, ओ टेल यू पुअर ब्लाइंड बॉय, यानी ए अंधे बच्चे तुम्हें बताएंगे. फिर इस मिसरे को हम एक बार पढ़ते हैं. ओ से व्हाट इज दैट थिंग कॉल इट लाइट, कहो कि वो क्या चीज है जिसे लाइट कहते हैं. विच आई नेवर एंजॉय, जिसका मैंने कभी मजा ही नहीं उठाया. व्हाट इज द ब्लेसिंग ऑफ द साइट, ओ टेल यू पुअर ब्लाइंड बॉय, ओ मेरे प्यारे बच्चे, ओ अंधे बच्चे, तू बता कि कितनी ब्लेसिंग यानी बरकत है इस साइट की. ये फिर बताता है, यू टॉक ऑफ वंडरफुल थिंग्स यू सी, यू टॉक ऑफ वंडरफुल थिंग्स यू सी, तुम बातें करते हो उन खूबसूरत चीजों की जिन्हें तुम देखते हो. यू से द सन शाइनस ब्राइट, तुम कहते हो कि सूरज चमकता है, यानी ब्राइट बहुत ही चमकीली की तरह, यानी सूरज चमकता है बहुत ही ब्राइट. आई फील हिम वार्म, मैं महसूस करता हूँ गर्मी. बट हाउ कैन ही देन मेक इट डे आर नाइट. आई फील हिम वार्म बट हाउ कैन ही देन मेक इट डे आर नाइट, मैं उसकी गर्मी महसूस करता हूँ लेकिन मैं ये नहीं जानता कि वो दिन
और रात कैसे बनाता है। माय डे आर नाइट माय सेल्फ आई मेक, मैं अपनी दिन और रातें खुद ही बनाता हूँ। व्हेन एवर आई स्लीप आर प्ले, जब मैं सोता हूँ और जब मैं खेलता हूँ। जब मैं सोता हूँ तो मेरे लिए रात हो जाती है और जब मैं खेलता हूँ तो मेरे लिए दिन हो जाता है। एंड आई कुड एवर कीप अवेक विथ मी इट वायर ऑलवेज डे, यानी जब कभी भी मैं होशियार हो जाता हूँ, मुझे यही महसूस होता है कि ये मेरे लिए दिन है। विथ मी इट वायर ऑलवेज डे, ये मेरे लिए दिन है। विथ हेवी साहस आई ऑफन हियर, बहुत ही भारी आहों से मैं हमेशा ये अक्सर ये सुनता हूँ। यू मोरन माई हेल्पलेस वो, तुम मेरे इस गमगीन यानि इस गमगीनियत पर यानि गमगीनियत पर यानि मातम मनाते हो। बट श्योर विथ पेशेंस आई मे बियर ए लॉस आई नेवर नो, बट श्योर लेकिन यकीन विथ पेशेंस यानि सब्र के साथ आई मे बियर मैं बर्दाश्त कर सकता हूँ। ए लॉस आई नेवर नो, वो नुकसान जिसका मुझे कभी पता ही नहीं। देन लेट नॉट वट आई के नॉट हैव, देन लेट नॉट वट आई के नॉट हैव, यानी देट लेट लेट मैं उस चीज़ की ख्वाहिश नहीं करता जो मैं रखता नहीं। माई चीयर ऑफ माइंड डिस्ट्रॉयड, यानी देन लेट नॉट वट आई के नॉट हैव, माई चीयर ऑफ माइंड डिस्ट्रॉय, मैं उस चीज़ की चाहत नहीं रख करता जो यानि मैं रखता नहीं, जो मेरे दिमाग या मेरी खुशी या मेरे इस अच्छे यानि मजाज को यानि ख़त्म कर दे। वाइलेस्ट दस आई सिंग, हालांकि मैं गाता हूँ। आई एम ए किंग, कि मैं बादशाह हूँ। ऑल दो अगरचा ए पुअर ब्लाइंड बॉय, मैं एक यानि पुअर एक बेचारा यानि एक अंधा लड़का हूँ, लेकिन फिर भी मैं खुश हूँ। ये थी बच्चों आज की कहानी, और आज हम इतनी कहानी पढ़ेंगे और इसका जो कुछ भी बाकी रह जाएगा वो हम कल या परसों स्टडी करेंगे। और मुझे उम्मीद है कि ये कहानी आपको बिल्कुल समझ आ गई होगी, जो जिसका नाम है द ब्लाइंड बॉय, और लिखी हुई है ये कोली चिबर ने, और इसे यानि एक ब्लाइंड यानि एक अंधे लड़के के मुतलक लिखी हुई है। और आप अपनी किताब पे इस बच्चे का फ़ोटो भी अच्छी तरह देख सकते हो, ये ब्लाइंड बॉय जिसके हाथ में छड़ी है। और ये आप अपने पेज नंबर 10 पे जाइए और देखिए, और आपको मैंने इस स्टोरी का पूरा मतलब भी बता दिया। आज का मेरा क्लास इतना ही है, थैंक्स।